हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम फिरोज है दोस्तों। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टेक्रोज फोर्ट 0.1% ऑइंटमेंट का। जी हाँ दोस्तों, टेक्रोज फोर्ट जो ब्रांड नेम है, इसमें जो कंटेंट डाला गया है 0.1% और क्रीम फॉर्म में ये मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि इस क्रीम का यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है, इसको कैसे लगाना है, कितने दिन तक लगाना है, लगाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसमें क्या कंपोजिशन डाला गया है, सेफ है कि नहीं है, कितने रुपए का आएगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर बात करें टेक्रोज क्रीम का, तो इसमें जो इसको जो बनाया जाता है उसको ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और इसमें जो कंपोजिशन डाला गया है वो है टेक्रोलिमस, जो कि 0.1% है। दोस्तों इसको 0.3% भी आता है, बट मैं आज रिव्यू करूंगा 0.1% का टेक्रोलिमस का। दोस्तों अगर बात करें इसके यूज के बारे में, तो इसका जो यूज है डर्माटाइटिस में किया जाता है, जो कि एक त्वचा संबंधी बीमारी है जो कि बहुत दिनों से तक चलती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा सोरासिस, ये भी बहुत लंबी बीमारी चलती है, जो कि स्किन की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, और डर्माटाइटिस, सोरासिस, इग्जिमा, इन तीनों में इसका यूज किया जाता है। ये तीनों बीमारी जो होती हैं त्वचा की बीमारी है और बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और उसके अलावा इसका यूज वाइट पैचेस में किया जाता है, सफ़ेद दाग में किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है सफ़ेद दाग में। तो जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, जिनको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, वो इसको बहुत ही ज़्यादा लिखते हैं, तो वाइट पैचेस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर और भी इसका यूज किसी और भी अन्य बीमारी में भी देते हैं। दोस्तों अगर बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस क्रीम जो है वो आपको क्रीम फॉर्म में है, आपको मुँह में नहीं लेना है, अंदर इसको ऊपरी पर्थ में लगाना है। तो अगर जिन लोगों को एलर्जी होगी इस क्रीम के कंटेंट से, उनको ये साइड इफेक्ट शो करेगा, जैसे बहुत ज़्यादा जलन होगी, लालपन हो जाएगा, और वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, ईचिंग होगी, खुजली होगी, वहाँ की स्किन पीलिंग होने लगेगी, छूटने लगेगी, ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका डोज आपको डॉक्टर अपने हिसाब से बताएगा। लंबे लंबे समय तक एक क्रीम दिया जाता है, लिखा जाता है, और डॉक्टर अपने हिसाब से ही बताएंगे। और दिन में जो नॉर्मली होता है, दिन में दो बार आपको लगाना रहता है, सुबह शाम, आपको जहाँ पे भी डर्माटाइटिस या सोरासिस, इग्जिमा हुआ है। दोस्तों अगर आपको वाइट पैचेस के लिए लगाना है, तो वाइट पैचेस में आपको जहाँ पे वाइट पैचेस हैं वहाँ पे लगा के आप धूप में कम से कम 10 मिनट बैठिए, आपको धूप वहाँ पे पड़ना चाहिए जहाँ पे आपको वाइट पैचेस या सफ़ेद दाग हुए हैं, तो ऐसा करना है वाइट पैचेस के लिए। दिन में आप एक बार या दो बार कर सकते हैं। इसका लंबा ड्यूरेशन रहता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक चलता है। दोस्तों अगर बात करें वाइट पैचेस की, तो बहुत सारे लोगों को चेहरे पे वाइट पैचेस रहता है, लिप पे वाइट पैचेस रहता है, आँख के पास रहता है। तो अगर आपको चेहरे पे वाइट पैचेस है या लिप पे है या आँख पे है, तो आपको इस क्रीम लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, अपने से बिल्कुल भी ना लें, और ये आँख में मुँह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसको दो स्ट्रेंथ आता है, एक 20 ग्राम का है, एक 10 ग्राम का है। जो 20 ग्राम का है उसकी जो प्राइस है, जो दाम है, वो 800 रुपया है, और जो 10 ग्राम है उसका जो दाम है वो 550 रुपया है। इसको ग्लेनमार्क नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, और ये जो प्रोडक्ट है आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे जरूर मिल जाएगा। दोस्तों ये सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, और जो लोग 12 साल की कम उम्र है उनको भी सेफ नहीं है, तो ये लोग अपने से बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों इस क्रीम अगर आप लेना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, अपने से बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी टेक्रोज फोर्ट क्रीम की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।